एक तरफ जहां तुर्की और सीरिया में आई विनाशकारी भूकंप के बाद लगभग सभी देश दुश्मनी भुलाकर यहां प्रभावित हुए लोगों की मदद को आगे आए हैं, तो वहीं सीरियाई के बशर अल असद सरकार को अपना दुश्मन समझने वाला सऊदी अरब भी अब सीरिया के भूकंप प्रभावितों की मदद के लिए आगे आया है। खबरों के मुताबिक सऊदी अरब का एक विमान बीते दिन यानी मंगलवार को राहत सामग्री लेकर युद्धग्रस्त सीरिया के शहर अलेप्पो में उतरा है। दरअसल बता दें कि पिछले हफ्ते सोमवार को तुर्की और सीरिया में 7.8 तीव्रता का भूकंप आया था। इस भूकंप से दोनों देशों में अब तक करीब 40,000 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसके बाद कई देशों ने यहां मदद भेजी है, तो वहीं सऊदी अरब ने भी यहां मदद की पहल की है। और ऐसे में 10 से भी अधिक सालों में ऐसा पहली बार हो रहा है कि सीरियाई क्षेत्र में सऊदी अरब का कोई विमान उतरा हो, जिसकी जानकारी सऊदी परिवहन मंत्रालय के एक अधिकारी ने एक समाचार एजेंसी को खुद दी है। अधिकारी को प्रेस से बात करने की अनुमति नहीं है, इसलिए नाम ना छापने की शर्त पर उन्होंने बताया है कि 10 से अधिक वर्षों में सऊदी अरब से सीरियाई क्षेत्र में उतरने वाला ये पहला विमान है। सऊदी की समाचार एजेंसी ने कहा है कि सऊदी विमान 35 टन खाद्य सहायता लेकर अलेप्पो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरा है। वहीं इससे पहले फरवरी 2012 में सऊदी का कोई विमान सीरियाई क्षेत्र हवाई अड्डे पर उतरा था, लेकिन आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों था और ऐसा क्या हुआ था इन दोनों देशों के बीच। तो बता दें कि सीरिया में पिछले एक दशक से युद्ध की स्थिति बनी हुई है। वहां की बशर अल असद सरकार अमेरिका, पश्चिमी देशों और अरब के देशों के निशाने पर रही है। सीरिया की सरकार पर कई तरह के प्रतिबंध लगे हुए हैं और ईरान जैसे कुछ देशों को छोड़कर पूरी दुनिया में सीरिया अछूत जैसी बनी हुई है। ऐसे में जब वहां भूकंप ने तबाही मचाई तब राहत और बचाव कार्य में काफी दिक्कतें आ रही हैं। वहीं सऊदी अरब की बात करें तो सऊदी अरब ने 2012 में सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद की सरकार से संबंध तोड़ लिए थे और युद्ध के दौरान असद की सरकार के खिलाफ विद्रोहियों का समर्थन किया था। सीरिया में युद्ध को अब तक 12 साल हो गए हैं और सऊदी अरब भी विद्रोही संगठनों को हथियार और अन्य किस्म की मदद पहुंचाता रहा है, लेकिन तबाही के इस समय में सऊदी अरब ने सीरिया के विद्रोही कब्जे वाले इलाकों और सरकार के नियंत्रण वाले इलाकों दोनों ही क्षेत्रों को सहायता देने का वादा किया है। साथ ही जानकारियों के अनुसार बता दें कि उत्तर पश्चिमी सीरिया में भूकंप से अब तक 3600 से अधिक लोग मारे गए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार अलेप्पो का ज्यादातर इलाका बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। इस क्षेत्र में 2,00,000 से अधिक लोग बेघर हो गए हैं, जहां भूकंप से पहले से ही सीरिया के लोग युद्ध की त्रासदी झेल रहे थे। सीरिया में सालों से चल रहे युद्ध में करीब 5 लोग मारे गए हैं, तो कई लोग युद्ध से भागकर तुर्की आ गए थे, लेकिन इस भूकंप ने सब कुछ तबाह कर दिया। सीरिया को पहले भी मानवीय मदद की बहुत जरूरत थी, लेकिन भूकंप ने इस जरूरत को और बढ़ाने का काम कर दिया है। हमारे इस वीडियो पर आप भी अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना ना भूलें और ऐसे ही देश और दुनिया से जुड़ी जानकारी जानने के लिए आज ही INN डिजिटल मीडिया को सब्सक्राइब जरूर कर लें।